दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज है जिसे भिखारी से लेकर बिलीनियर तक हर कोई पाना चाहता है। देखने को तो ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही लगता है, पर अपने आप में ये एक नशा है। पैसा एक ऐसी भाषा है जिसको पीएचडी करे क्लर्क से लेकर एक अनपढ़ नेता तक सभी जानते हैं। ये पैसा ही तो है जिसने जंगलों में रहने वाले इंसान को इन बादलों से छूती हुई इमारतों से लेकर हवा से भी तेज दौड़ने वाली इन गाड़ियों में बिठाया। पैसा एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जिसकी खुद तो कोई औकात नहीं, पर जे आपको दूसरी चीजों की कीमत बताता है। अब सवाल ये है कि पैसे में आखिर इतनी ताकत आई कहाँ से? चलो कुछ डिटेल में समझते हैं। आज से हजारों साल पहले इंसान लेन देन के लिए बर्टर सिस्टम का यूज करता था। बर्टर सिस्टम मतलब एक चीज लेने के लिए दूसरी चीज देनी। जैसे कि मेरे पास चावल हैं, मुझे चीनी चाहिए, मुझे किसी ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसको चावल की ज़रूरत होगी और वो चीनी देने के लिए तैयार होगा। ऐसे ही कई प्रॉब्लम की वजह से लोगों ने कुछ अलग सोचा और शुरुआत हुई कमोडिटी की। इंसान ने उस हर एक चीज़ को पैसा बना दिया जो सबके काम आता था। लोग पशु, अनाज, तंबाकू और अल्कोहल के जरिए व्यापार करने लगे। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। इस बात का पता लगाना बहुत ही मुश्किल था, मेरे पास जो चीज़ है उसकी सही कीमत क्या है। और कमोडिटी वक्त के साथ खराब हो जाया करती थी। खरीदे हुए जानवर मर जाते थे और अनाज सड़ जाता था। अब इंसान को कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो यूनिवर्सल हो, और शुरुआत हुई सोने और चांदी के बने हुए सिक्कों की। लेकिन इस दो टांग वाले बड़े जीव को इसमें भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो भारी सोने को लेकर घूमना फिरना और साथ ही चोरी का डर। तो कुछ सुनारों और दूसरे लोगों ने मिलकर एक उपाय ढूंढा। उन्होंने लोगों से कहा, तुम अपना सोना हमारे पास रख दो, हम उसे संभाल कर रखेंगे। उस सोने के बदले में सुनार उसे एक कागज का टुकड़ा दे देता जिसके ऊपर लिखा होता कि मेरे पास आपका इतना सोना रखा हुआ है, जिसे आयोजू कहा जाता, मतलब मैं आपका कर्जदार हूँ। जिस कागज के टुकड़े को दिखाकर लोग कभी भी अपना सोना आपसे ले जा सकते हैं। सबको ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा और लोगों ने अपना सोना सुनारों के पास रखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद सुनार लोगों को रियलाइज हुआ कि ये सिस्टम बनाने के बाद ऑलमोस्ट कोई भी आदमी अपना सोना लेने के लिए वापस ही नहीं आता, और बस उस कागज के टुकड़े के जरिए ही लोग व्यापार करने लगे थे। अब सबको यकीन हो गया था कि ये कागज का टुकड़ा है तो सोना भी होगा ही। अब ये चीज़ समझने के बाद सुनार लोगों को लालच आ गया। अब उनके हाथों से बने ये कागज के टुकड़े ही पैसा बन गए थे, इसलिए उन्होंने नकली कागज के टुकड़े बनाना स्टार्ट कर दिए। उनके पास तो सोना होता भी नहीं, फिर भी वो कागज के टुकड़े बनाते ही जाते। ऐसे ही स्टार्ट हुआ दुनिया का सबसे बड़ा लीगल स्कैम जो आज भी चल रहा है। वो सोना संभाल कर रखने की दुकान दुनिया की पहली बैंक थी, और वो कागज का टुकड़ा दुनिया की पहली करेंसी बनी, मानो नोट। दोस्तों, पैसे के इस माया जाल को जानबूझकर कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है ताकि एक आम इंसान इसे समझ ना पाए और वो इस ही सिस्टम में फंसा रह जाए। लोगों को लगता है कि करेंसी और मनी एक ही चीज है, लेकिन ऐसा है नहीं। करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, बल्कि मनी एक खुद वैल्यूबल एसेट है। समझो आपके घर में पड़ा 1000 के नोटों का बंडल रातों रात कागज हो जाएगा अगर गवर्नमेंट उसे नामंजूर कर दे, क्योंकि वो एक करेंसी है। ऐसा इंडिया के लोगों के साथ हो भी चुका है। लेकिन आपके घर में पड़ा सोने का सिक्का, चाहे दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी करे, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी है। ये कागज का टुकड़ा है सिर्फ एक भरोसा है, और भरोसे पे दुनिया टिकी हुई है।